जो बैक्टीरिया मैं आपको दिखाऊंगा उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। मैंने दही ले लिया है, अब मैं आपको इस दही को माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। इसके लिए हम एक प्लेन स्लाइड लेंगे और इस प्लेन स्लाइड की एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। इस स्लाइड पर मैं एक कवर स्लिप रख दूंगा। जो तेज गति से घूमते हुए पार्टिकल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बैक्टीरिया नहीं हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं। बैक्टीरिया इन्हीं फैट मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते। उन्हें देखने के लिए हमें स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। जो मैं आपको स्क्रीन पर ब्रैकेट दिखा रहा हूँ, अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो आपको डार्क कलर के कुछ लंबे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ये लंबे पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। यही डार्क रंग के पार्टिकल्स बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया धीरे धीरे मूव करते हैं, जबकि फैट मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी के साथ मूव करते हैं। ये बैक्टीरिया हमें पूरी स्लाइड में दिखाई देंगे। अब हम इस दही के बीच में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको इस नमक वाले दही को माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे दही में बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया दही में होते हैं वो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। जब हमने इस दही में नमक डाला तो वो बैक्टीरिया मर गए, हमें उनकी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमें दही में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, और हमारा ये एक्सपेरिमेंट आयुर्वेद की उस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। इसलिए आप भी दही के बैक्टीरिया का पूरा बेनिफिट लेने के लिए दही में चीनी या शक्कर डालकर खाएं। थैंक यू।